नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, कादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। उत्तर प्रदेश के नोएडा से आरबीआई कानपुर के लिए सरकारी सिक्का लेकर एक बड़ा ट्रक बंद बाड़ी का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ड्राइवर के सो जाने पर गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, जिससे ट्रक का पिछला टायर भ्रष्ट हो गया। ड्राइवर के सूझबूझ से कोई बड़ी घटना नहीं हो सकी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी, तो पता चला कि पैसा भारत सरकार आरबीआई का है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे नोएडा से ट्रक जिसका नंबर HR 55/AB 3551 आरबीआई कानपुर के लिए सिक्का लेकर निकला था। सुबह करीब 4 से 5 बजे के बीच ट्रक बाड़ीबंद जो अचानक अपनी दिशा खो बैठा और एक डिवाइडर से जा टकराया। ड्राइवर की सूझबूझ से किसी तरह गाड़ी को कंट्रोल कर लिया गया। बड़ी घटना हो सकती थी अगर सिक्कों से लदा ट्रक पलट जाता तो। खबर मिलते ही तिरवा पुलिस मौके पर पहुंचकर ड्राइवर और गाड़ी गनमैन से पूछताछ की। पुलिस ने और भी जानकारी ली। जांच पड़ताल में पुलिस ने ट्रक पर लदा पैसा आरबीआई का ही पाया। ट्रक ड्राइवर और गार्ड के बताने के अनुसार ट्रक में 1500 पैकेट हैं, पर पैकेट में 20,000 रुपए के सिक्के हैं। उनके बताने के अनुसार लगभग 3 करोड़ रुपए के सिक्के हैं। अगर बात करें लापरवाही की तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है। लगभग 3 करोड़ के सिक्कों की रखवाली सुरक्षा के लिए मात्र एक ही आदमी तैनात किया गया है। उस गनमैन के पास एक डबल बैरल बंदूक है, जो मात्र उसके पास 10 ही कारतूस हैं। सिक्कों से लदा ट्रक की रखवाली के लिए दिया जाता है। गनमैन का आरोप है कि एसएल डायबीज ये हमारी कंपनी का नाम है, जो मुझे फ्री में भेज देती है, मात्र मुझे डेली बेसिस पे 700 रुपए देती है और इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ता है। कंपनी ने मुझे निकाल दिया है। पहले कंपनी मुझे 19,000 रुपए महीने में और 300 रुपए रोज खर्चे को देती थी। क्या है इस गाड़ी में, क्या हो गया? ये गाड़ी नोएडा से चली थी 6 बजे और मैनेजर ने कहा था सुबह गाड़ी 6 बजे लगानी है कानपुर भारतीय रिजर्व बैंक में। तो मैं गाड़ी लेके आ रहा था, पूरी रात चलाई गाड़ी। सुबह 4 बजे गाड़ी में सो गया, गाड़ी पलट गई। यहाँ गाड़ी पलट गई, झपकी लग गई। फिर क्या हुआ? झपकी लगी, डिवाइडर में गाड़ी चढ़ गई। डिवाइडर पे क्या लदा है इसमें? कहाँ क्या ले जा रहे? कॉइंस हैं, कॉइंस, कॉइंस सिक्के, जो चलने वाले थे। सरकारी पैसा? पैसा हाँ। कितना है कुछ मालूम है? इसमें 1500 बैग है। 1500 बैग? 1500 बैग है। कोई आइडिया है कितना है? एक बैग में 20,000 होते हैं। 1500 बैग है। सिक्योरिटी गोटी नहीं है? सिक्योरिटी नहीं देती है। क्यों? पता नहीं, एक गनमैन देती है। हाँ, एक गनमैन देती है बस, प्राइवेट गनमैन। अच्छा अच्छा, क्योंकि पैसा तो सरकारी है ना? हाँ, पैसा सरकारी है, भारतीय रिजर्व बैंक का। ये गाड़ी जा रहे थे, क्या था इसमें? नोएडा मेंट से आई थी, पता नहीं इसमें अब क्या है, मेरे सामने लोड नहीं हुआ। अच्छा, नोएडा मेंट से आई थी, आरबीआई जाती है कानपुर। तो आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई इस गाड़ी की? गाड़ी की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है, देख रेख में लेके जाना है, गाड़ी को सही सुरक्षित पहुंचाना है। इतना कुछ नहीं मालूम इसमें क्या है? नहीं, वो मेरे सामने लोड नहीं होता है। हाँ। तो अंदर से लोड होता है, नोएडा मेंट से लोड होकर के आता है, बताते हैं सिक्का लोड होकर आता है। अच्छा, तो आप वहाँ मौजूद नहीं होते? नहीं, वहाँ मैं मौजूद नहीं होता। आपको पता नहीं इसमें क्या है? हाँ नहीं, अंदर से मेरे को सील मिलता है, सिलवा देते पहुँचा। पुलिस ने पूछा तो आपने क्या बताया? पुलिस के जो कागज थे, कागज हमने दे दिया, तो उसमें लिखा है इसमें सिक्का है। सिक्का है इसमें, उसमें लिखा है पेपर में। तो आपको मालूम हो गया? हाँ, पेपर के हिसाब से। तो कितना सिक्का है ये नहीं मालूम, उसमें लिखा नहीं होता है। क्या क्या जिम्मेदारी आप क्या है? मैं इसका सिक्योरिटी गार्ड हूँ। सिक्योरिटी गार्ड? कोई ड्रेस वगैरह आपकी? ड्रेस वगैरह अभी मैं पहने रखी है, अभी कंपनी ने मेरे को दिया नहीं है ड्रेस। अच्छा अच्छा, प्राइवेट है? प्राइवेट गार्ड। अगर कोई अनहोनी हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपको कोई जान ही नहीं पाएंगे कि आप गार्ड हैं क्या हैं? नहीं, मेरे को जो कंपनी ने मेरे को टेम्परेरी में भेजा हुआ है। अच्छा, जिम्मेदारी भी सही है? हाँ, जिम्मेवारी है मेरी। तो क्या जिम्मेवारी है? जिम्मेवारी मेरे को जो दिया एड्रेस नहीं दिया, तो मैं कहाँ से पहनूँ? पूरी गाड़ी में सिक्का भरा हुआ है, क्या जिम्मेदारी है आपकी? कोई आपको जिम्मेदारी नहीं लग रही है आपको? जिम्मेवारी कैसे?
पूरी रात खड़े होकर रखा रहा हूँ और लेकर जा रहा हूँ, और क्या करना है। पुलिस को बताया? पुलिस को बताया, पुलिस आया। कब बताया पुलिस को? 5:30 सुबह। घटना कई बजे की? 4 की। इस गाड़ी में मैं अंदर मिनट के अंदर नहीं जाता, उधर से क्या लोड हो जाता है पेपरों के हिसाब से इनमें सिक्का जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सिक्का। पुलिस से क्या पता चला? पुलिस को क्या बताया आपने? उसको गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई, एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस को सूचना किया, पुलिस आ गया। तो आप इसकी सिक्योरिटी के लिए भेजे गए? जी। तो आपके पास ना कोई यूनिफार्म है? यूनिफार्म मेरी कंपनी ने अभी दिया नहीं है। गाड़ी के कागज वागज हैं कुछ? गाड़ी के कागज ड्राइवर के पास हैं। ड्राइवर के कुछ कागज आगज हैं? सारे कुछ कागज हैं, वो ड्राइवर के पास है, ड्राइवर से। ये तो पता ही होगा गाड़ी कहाँ जाएगी। गाड़ी हाँ, ये मालूम। कहाँ जा रही है? कानपुर आ रही है। 4 जिम्मेदारी पर रखना चाहिए, एड्रेस रेस होना चाहिए, थोड़ा सा लगना चाहिए। हम भी जानते हैं, मगर हमारी जो कंपनी है ना वो फ्री में हमको भेज रही है। कौन सी कंपनी है? S&IB। पैसा नहीं देती? पहले पैसा देती थी, नौकरी पर रखा था, अब हमको निकाल दिया, दोबारा डेली बेसिस पर बुला रही है। अच्छा, कितना देती है? 700 देती है। उसमें भी आपको इतना बड़ा रिस्क लेना पड़ा? इतना बड़ा रिस्क है, मजबूरी में हम चले आए यहाँ। तो ये कंपनी आपका शोषण नहीं कर रही है ऐसा लग रहा है? पहले हमारे को 19,000 कुछ रुपये देती थी, 300 खाने का देती थी, 4 रखने के बाद हमको निकाल दिया। अब इसको जरूरत पड़ी तो डेली बेसिस पे बुला लिया है। अब शोषण कर रही है? क्या कर रही है? अब शोषण समझे आप कुछ भी समझे। कितने कारतूस हैं आपके बंदूक है? 10 आप गिन सकते हैं? आपको लगता है कि कम कारतूस हैं, इतना बड़ा माल जा रहा है? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से ऊपर हमारा दिल्ली में हम रहते हैं जाते हैं, तो 10 कारतूस रखने से अलावा मना करती है। क्या नाम है? मेरा नाम विद्याराम। रहने वाले का? सिकंदर राव, जिला आदर्श। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।